And let us see the last topic of this chapter, which is dielectrics. Dielectrics basically kya hota hai ki ek substance hota hai which does not allow the flow of charges through it, right? But it permits them to exert electrostatic forces on one another through it. ठीक है मतलब flow charges को flow नहीं करने देता but हाँ क्या करता है कि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर force exert करने देता है, right? So that is called a dielectric. और ऐसे केस में होता क्या है जब भी जो dielectric होता है उसका एक dielectric constant होता है k. और dielectric करता है क्या है कि let us suppose अगर दो हमारे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो अगर उसके बीच में हम डायलेक्ट्रिक लगा देंगे ये डायलेक्ट्रिक अगर मैंने डाल दिया तो यहां पर क्या होता है अगर बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे जो होनी चाहिए थी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमको पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है बट ये डायलेक्ट्रिक क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है ठीक है वो क्या करता है उसको कम कर देता है अगर ये ई नॉट है बाहर तो अंदर ये क्या कर देता है ई नॉट बाय के where k is called as the dielectric constant. Dielectric constant. ठीक है तो basically अब जो electric field हो जाती है E inside the dielectric that becomes equals to E naught by k. K times decrease कर देता है This is what it does. ठीक है तो अब basically क्या है कि ये तो हो गया हमारा dielectric के बारे में right? अब एक हमारी derivation है ठीक है इससे related कि अगर लेट अस सपोज इसके अंदर में एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ठीक है जैसे ये हमने बनाया था राइट इसके बीच में डी डिस्टेंस है इसमें एक टी थिकनेस की मैंने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ठीक है तो अब इसमें पूछा हुआ है इसकी जो डेरिवेशन होती है उसमें अब जो कैपेसिटेंस होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा ठीक है कैपेसिटेंस होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा लेट अस सी दिस ठीक है अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस केस में दैट विल बी इक्वल्स टू हमने पोटेंशियल डिफरेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस राइट तो यहां पर जो बाकी बचा हुआ एरिया है टी थिकनेस की तो स्लैब हो गई बाकी जो एरिया है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ई ठीक है और ई की जो वैल्यू थी दैट वाज व्हाट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी ये अब कितनी थिकनेस में रह गई है हमने क्या बोला था पोटेंशियल क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द थिकनेस थिकनेस कितनी रहेगी बाहर जो एयर है वो रह गई डी माइनस टी ठीक है प्लस अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अंदर है स्लैब के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कुछ k टाइम्स कम हो गई इनटू k और थिकनेस कितनी है t तो ये मेरा पोटेंशियल हो गया इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो मैं अभी भी कॉमन ले सकता हूं दिस विल बी इक्वल्स टू d माइनस t प्लस ऑफ t बाय k राइट कुछ ऐसा हो गया अब अगर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है नाउ कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटेंस इज q बाय V और Q की वैल्यू कितनी थी सिग्मा इनटू A डिवाइडेड बाय V V कितना है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस ऑफ T बाय K ठीक है सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा राइट सो C जो कैपेसिटेंस है दिस विल नाउ बिकम A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K और इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं एक बार और इसको ऐसे लिख सकता हूं A epsilon naught divided by D plus T 1 by K minus 1 ठीक है तो ये मेरी अब net capacitance हो जाएगी अगर मैंने T thickness की इसके अंदर जो dielectric है वो introduce करा दी तो ठीक है so this is the final derivation अब basically क्या है कि अगर let us suppose इसके अंदर cases बन सकते हैं कि अगर जो T है T की value अगर D हो जाए सीधा तो ठीक है मतलब पूरी की पूरी dielectric slab ही हो अगर T की वैल्यू D है T की वैल्यू हमारी यहां पे D हो जाती है तो क्या बचेगा D से D तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा नहीं क्या बचेगा D by K तो उस केस में जो कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट A एप्सिलॉन नॉट इनटू K डिवाइड बाय ऑफ D यानी जो पहले थी जब स्लैब नहीं थी तब वो कितनी थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D यानी दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज C नॉट इनटू K यानी क्या होता है अगर हम कोई भी डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उससे क्या होता है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है राइट तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है के टाइम्स
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगी, राइट। बट क्योंकि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है दैट विल इंक्रीज, राइट, दैट विल इंक्रीज क्रिएट टाइम्स। और क्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो होती है तो क्यू पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, राइट, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्यू विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है।